सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर आर माधवन और अजय देवगन की स्टारर फिल्म शैतान 8 मार्च को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। ऐसे में जब से शैतान का ट्रेलर आउट हुआ है ना, तब से ही शैतान का शैतानी लुक देखकर ऑडियंस के होश उड़े हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इसकी स्टोरी किस स्टोरी से मैच करती है? क्या आप जानते हैं कि इसके स्टार कास्ट कौन कौन से हैं? फिल्म का बजट कितना है और क्या कुछ खास है इस फिल्म में, और आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। Hey guys, मैं हूं दामिनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका रिव्यूज। सबसे पहले बात करते हैं शैतान फिल्म के बारे में। शैतान एक ऐसी हॉरर थ्रिलर और सुपर नेचुरल बेस्ड फिल्म है जिसने जनता के एक्साइटमेंट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। वेल, इस एक्साइटमेंट की दो बड़ी वजह है, क्योंकि इसमें दो बड़े स्टार आपको नजर आने वाले हैं। पहले आर माधवन और दूसरे अजय देवगन। ये बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म है जहां पर अजय देवगन और आर माधवन एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। वेल, इस फिल्म में इन दोनों के अलावा आपको मेन लीड में दो और एक्ट्रेस नजर आने वाली है, जिसमें अजय देवगन की पत्नी का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस ज्योतिका नजर आएंगी। तो वही अजय देवगन की बेटी का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस यानी जानवी का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस जानकी पोधीवाला आपको नजर आने वाली हैं, जो ऑलरेडी कई गुजराती फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वेल, इसका मतलब तो साफ है कि आपको इस फिल्म में गुजराती, साउथ और बॉलीवुड तीनों का तड़का एक साथ देखने को मिलने वाला है। वेल, अब हम बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के बारे में कि आखिर इस फिल्म की कहानी क्या कुछ अपने दर्शकों को दिखाने वाली है। वेल, बात करें स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी एक बेटी के ऊपर डिपेंड है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती हुई नजर आती है। जैसे आपने देखा होगा कि दृश्यम जैसे फिल्मों में अजय देवगन फैमिली मैन बने हुए नजर आए थे और अपनी बेटी को बचाना चाहते थे और वो बचाते भी हैं, तो कुछ इसी तरह से इस फिल्म में भी आपको अजय देवगन फैमिली मैन बने हुए नजर आएंगे और अपनी बेटी को बचाते हुए नजर आएंगे। अजय देवगन की दृश्यम और इस फिल्म में ये एक चीज तो कॉमन है। फिर बात करें इस फिल्म में आर माधवन के एक्टिंग के बारे में, तो भाई जबरदस्त ट्रांजैक्शन आर माधवन का इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आर माधवन ने अब तक इस तरह का कोई भी कैरेक्टर पोर्ट्रे नहीं किया था। ऐसे में भले ही पहली बार वो ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्त ट्रांजैक्शन में वो नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आर माधवन का एक डायलॉग, कौन हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ मैं, ये तो भाई काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। अब ऐसे में अजय देवगन और आर माधवन जब कुछ यूनिक स्टोरी लेकर आ रहे हैं तो जनता का एक्साइटमेंट भी तो बनता ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर माधवन और अजय देवगन स्टारर ये फिल्म एक गुजराती फिल्म का रीमेक है? शायद आपको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन गुजराती में इससे पहले शैतान बेस्ड ही एक फिल्म वर्ष बन चुकी है, जिसमें सेम एक्ट्रेस आपको नजर आएंगी। जो इस फिल्म में जानवी का कैरेक्टर प्ले कर रही है जानकी पोधीवाला, वो इससे पहले वर्ष में यानी सेम स्टोरी में गुजराती लैंग्वेज में काम कर चुके हैं, लेकिन वो फिल्म काफी हिट नहीं हो पाई थी, ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई थी, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर उस फिल्म में सबसे बड़ी वजह थी। वो फिल्म गुजराती में थी, शायद हिंदी में होती तो हिट हो जाती। फिर अब हम बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे यानी फिल्म के बजट के बारे में कि आखिर कितने बजट में बनी है ये फिल्म। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी तक इसका कोई भी एक्यूरेट बजट सामने नहीं आया है। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये फिल्म 11 करोड़ तक में बनाई गई है, तो वही कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये फिल्म 40 करोड़ के बजट में बनाई गई है, तो कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस फिल्म में 50 करोड़ से ज्यादा का बजट लगा हुआ है। लेकिन फाइनली तो हमें ये तब पता चलेगा कि आखिर ये फिल्म कितने बजट में बनी है, जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। अब हम बात करते हैं फिल्म के BGM के बारे में। BGM यानी बैकग्राउंड म्यूजिक, जो ऑडियंस के होश उड़ाता है, ऑडियंस को डराता भी है। तो इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक ना भाई आपके पसीने छुड़ा देगा, इतना डरावना म्यूजिक है इसका। फिर इसके अलावा अगर इसके शूट की बात करें तो जबरदस्त शूटिंग के एंगल्स लिए गए हैं, जो काफी ज्यादा क्लोज शॉट और बाकी अलग शॉट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें ऑल ओवर फिल्म के बारे में, तो आपको इस फिल्म में मोस्टली रात का सीन दिखाई देने वाला है, दिन की शूटिंग बहुत कम है और एक घर के अंदर की ही कहानी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। फिर ये फिल्म जब थिएटर्स में रिलीज होगी तब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये एक रात की कहानी देखने को मिलने वाली है या इसमें कुछ और भी मिस्ट्री छुपी हुई है। फिर इस पर क्या कुछ कहना है आपका, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। फिर ऐसे
लेटेस्ट खबरों के लिए, मूवी रिव्यूज के लिए, अननोन फैक्ट्स के लिए देखते रहें बजूका रिव्यूज चैनल को। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।